हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को स्वागत है एवरीडे न्यू ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर। ओएसएससी की तरफ से न्यू रिक्रूटमेंट 2020 का निकल चुका है। 2021 का ओडिशा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की तरफ से जो भी वैकेंसी निकल चुका है उसका बारे में फुल नोटिफिकेशन डिटेल्स बताने वाले इस वीडियो में। इसका क्वालिफिकेशन की बात कर तो एनी डिग्री रखा गया है। इसमें एज लिमिट 21 से 32 वर्ष दिया गया। ऑल ओडिशा कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। इसमें बोथ मेल एंड फीमेल कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। इसका पोस्ट की बात कर तो फूड सेफ्टी ऑफिसर पोस्ट के लिए निकल चुका है। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं उसका ऑफिशियल पीडीएफ पेज में आ चुके जो शॉर्ट नोटिफिकेशन निकल के आया है 30/12/2020 को। इसका देख सकते हैं रिक्वायरमेंट 35 पोस्ट फॉर फूड सेफ्टी ऑफिसर कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस आपको लिया जाएगा। इसका वेबसाइट से आप डाउनलोड कर सकते हैं नोटिफिकेशन www.ossc.gov.in पर इसका डाउनलोड कर सकते हैं नोटिफिकेशन, या तो वीडियो का डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। इसका ऑनलाइन एंड डेट आपको दिया नहीं गया है, बी नोटिफाइड शॉर्टली नोटिफाइड किया जाएगा। उसके बाद इसका बात कर तो अप्लाई थ्रू द ऑनलाइन मोड ही आपको अप्लाई किया जाएगा। इसी वेबसाइट से आपको जो फुल नोटिफिकेशन आएगा उसका भी वीडियो बना के दिखा देंगे कि क्या क्या इसमें, कब इसका ऑनलाइन डेट होगा, कब क्या है। तो इसमें बात करें वैकेंसी की, 35 पोस्ट दिया गया है। यूआर में 18, ओमेन कैंडिडेट के लिए 3, एससीबीसी में 4, ओमेन कैंडिडेट के लिए 2, एससी में 6, एसटी में 7, ओमेन कैंडिडेट के लिए 1 दिया गया है। उसी तरफ पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के लिए है, स्पॉट पोर्शन के लिए भी दिया गया है। स्केल ऑफ पे की बात करें तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मंथ आपको फर्स्ट ईयर दिया जाएगा 16,880 रुपये एंड प्लस आपको गवर्नमेंट GA NPG दिया जाएगा। इसके बाद एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करते हो, 21 से 32 वर्ष एज आपको दिया गया है। इसमें आपको मिनिमम क्वालिफिकेशन रहना चाहिए। दो कैंडिडेट अप्लाइंग फॉर द पोस्ट ऑफ डिग्री इन फूड टेक्नोलॉजी, डायरी टेक्नोलॉजी, उसी तरह ऑयल टेक्नोलॉजी, एग्रीकल्चर साइंस, वेटरनरी साइंस, बायोकेमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी रहना चाहिए। मास्टर डिग्री केमिकल में 60% आपको रहना चाहिए तभी आप इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद आप बात करें तो बेसिक कंप्यूटर नॉलेज भी आपको रहना चाहिए। उसके बाद प्लान ऑफ एग्जाम की बात करते हैं, देख सकते हैं प्लान ऑफ एग्जाम, मेन एग्जाम, रिटर्न, मेन रिटर्न एग्जाम होगा आपका 200 मार्क का, ऑब्जेक्टिव टाइप OMR बेसिस होगा, ऑफलाइन होगा। उसके बाद पेपर वन कॉम्पिटिटिव पेपर जनरल स्टडीज रहेगा, आप देख सकते हैं 100 मार्क का। उसके बाद पेपर टू में टेक्निकल पेपर रहेगा, फूड एक्ट रूल 50 मार्क का एंड केमिस्ट्री 50 मार्क का, 100 मार्क का रहेगा एंड नेगेटिव मार्किंग 0.25 के दिया जाएगा और रॉन्ग क्वेश्चन में। उसके बाद आप बात करते हैं यहाँ कंप्यूटर स्किल टेस्ट किया जाएगा। उसके बाद इसमें कंप्यूटर स्किल टेस्ट 50 मार्क का रहेगा, सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन होगा। उसके बाद सिलेक्शन प्रोसीजर की बात करते हैं यहाँ, सिलेक्शन लिस्ट आपको मेन एग्जाम रिटर्न एग्जाम में जो हाईएस्ट मार्क रहेगा उसके तहत आपको मेरिट निकाला जाएगा। एग्जामिनेशन फी की बात करते हैं यहाँ, SC ST PWD कैंडिडेट के लिए कोई भी आपको फी देना नहीं पड़ेगा एंड जनरल OBC कैंडिडेट के लिए आपको यहाँ 200 का आपको यहाँ चालान ऑनलाइन करना पड़ेगा। और बाकी बात जो भी डिटेल्स आएगा www.ossc.gov.in पर जाकर विजिट करके आप देख सकते हैं, या तो इस YouTube चैनल पर जो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर दे, साथ ही साथ बेल आइकन को क्लिक कर दे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।